आईपीएल इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिस टीम के लिए पिता ने किया डेब्यू, आज बेटों को मिली वही कैप। जी हां, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को पहली बार मुंबई इंडियंस ने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अर्जुन को आईपीएल के 16वें सीजन के 22वें मुकाबले में खेलने का मौका मिला है। अर्जुन को 2021 में पहली बार मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा था। इसके बाद 2022 में उन्हें 30 लाख रुपए खर्च कर अपनी टीम में शामिल किए थे। लगातार 2 सीजन बेंच में बैठने के बाद उन्हें अब मौका मिला है। मुंबई इंडियंस के कार्यवाहक कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। नियमित कप्तान रोहित शर्मा पेट की समस्या के कारण इस मैच में नहीं खेल पाए। अर्जुन पिछले कुछ दिनों से लगातार पिता सचिन तेंदुलकर के साथ ट्रेनिंग सेशन में नजर आ रहे थे। वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। अर्जुन प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए मैचों में पहले ही खेल चुके हैं। अब उनका आईपीएल खेलने का सपना पूरा हो गया। बात करें अगर अर्जुन तेंदुलकर के करियर की, तो अर्जुन तेंदुलकर ने साल 2021 में पहली बार मुंबई के लिए हरियाणा के खिलाफ T20 में डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने नवंबर 2022 में गोवा के लिए लिस्ट ए और उसके अगले महीने राजस्थान के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था। अर्जुन प्रथम श्रेणी में 7 मैचों में 223 रन बनाने के अलावा 12 विकेट लिए हैं। वहीं 7 लिस्ट ए मैचों में उनके नाम 8 विकेट और 9 T20 मैच में 12 विकेट हैं। जब अर्जुन तेंदुलकर को डेब्यू कैप मिली, इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने खुशी जाहिर की। ये कैप अर्जुन तेंदुलकर को रोहित शर्मा ने दी है। जी हां, इसके बाद सचिन तेंदुलकर के दोस्त सौरभ गांगुली ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और बताया कि उन्हें काफ़ी खुशी है अर्जुन का आईपीएल डेब्यू देखकर। अर्जुन के इस आईपीएल डेब्यू के दौरान उनकी बहन सारा तेंदुलकर भी मैदान पहुंची और अपने भाई का हौसला बढ़ाया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। वहीं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।